नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी एफआईआई सेलिंग की, जो 4400 करोड़ की सेलिंग थी, और हमारा व्यू यहाँ मार्केट के प्रति एक वीकनेस की तरफ संकेत दे रहे थे डेटा पॉइंट्स। तो अगर हम कल के डेटा पॉइंट्स देखें तो बेसिकली जो हमारा कंक्लूजन था कि एफआईआईज यहाँ पे मिसलीड कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिटेल निवेशक है उसको मिसलीड किया जा रहा है डेरिवेटिव्स की डेटा की सहायता से, क्योंकि कैश के अंदर यहाँ पे सेलिंग जारी थी और डेरिवेटिव्स के अंदर आप देख रहे थे, जो ये कल का डेटा है यहां पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई थी। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो है बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान यहां पे उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर। तो कल हमने जो दो प्रमुख बातें की थी कि हमारा व्यू जो है मार्केट के प्रति वो डेटा पॉइंट्स को देख के वीक है, और दूसरा हमने वहां पे 17,560 के ऊपर एक बेबी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला था, तो मार्केट ने उसको भी आज रिस्पेक्ट किया। उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में इंट्राडे वाले सेक्शन में करेंगे। लेकिन हम आज अगर देखें तो दोस्तों, आज जो मेन बिकवाली हुई है वो रिलायंस और आईटी स्टॉक्स में, खास तौर पे इंफोसिस में यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। तो ये जो स्टॉक्स हैं, बेसिकली रिलायंस प्राइवेट बैंक्स और आईटी स्टॉक्स जो हैं, वो इस समय एफआईआईज के रडार के ऊपर है। इसकी चर्चा हम पिछले काफ़ी वीडियो से कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक अच्छी बात ये थी कि प्राइवेट बैंक्स के अंदर कुछ ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जो हैं वो लगभग 1% ऊपर गए, और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जो थे वो फ्लैट थे। तो दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। यहाँ पे एक आज प्राइवेट बैंक्स के अंदर एक रिलीफ हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एडवांस डिक्लाइन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कन्वर्ज हुआ लास्ट के, जिसको कह लीजिए 40 मिनट के अंदर या लगभग एक घंटे के अंदर। तो यहाँ पे एफआईआईज का इस समय एक जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि वो अपनी जो मेन सेलिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं, तो ये जो सेलिंग बेसिकली की जाती है, हमने कल भी देखा और हमने परसों भी देखा कि ये जो सेलिंग है ये लास्ट के पौने घंटे या एक घंटे के अंदर की जाती है। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के डेटा के ऊपर अगर नज़र मारें तो आज भी यहां सेलिंग जारी थी, लगभग 5100 करोड़ की सेलिंग की गई है, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये नंबर पहले 3300-3400 करोड़ के आसपास था, कल हमने देखा कि 4400 करोड़ की सेलिंग हुई। वहां पे हमने वेदांता के डेटा के बारे में मैंने ट्विटर पे चर्चा की, वो थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि वहां पे सेलर का नाम इस समय पता नहीं लग रहा। मैंने इंट्राडे जो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला डेटा है वहां भी जाके देखा, लेकिन वो सेलर का नाम वहाँ पे पता नहीं लग रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सेलर भी एफपीआई है, तो हम अगर उसको इग्नोर भी कर दें तो कल 4400 करोड़ की सेलिंग थी, आज 5100 करोड़ की सेलिंग है। तो पॉइंट ये है कि ये सेलिंग जो है ये इंटेंसीफाई होती जा रही है, हमें ऐसा दिख रहा है कि ये सेलिंग जो है इंटेंसीफाई हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर आए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 17,400 का लेवल अभी भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। आज मार्केट ने इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग ली, जबकि मार्केट इससे नीचे थी, लेकिन क्लोजिंग जो है 17,415 पे हुई। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। आज का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे प्रॉप डेस्क अपना एज यूजुअल, इनका व्यू अभी भी मार्केट के प्रति पॉजिटिव है, और इनका एलएस रेशो आज इसके अंदर काफ़ी तेज़ जंप देखने को मिला। मैंने ट्विटर पे जो एक ट्वीट किया था कि जहाँ पे प्रॉप डेस्क को आज हैवी लॉस हुआ, वहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा, नहीं आज का डेटा हमें ये बताएगा कि प्रॉप डेस्क ने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी बुलिश पोजीशंस अभी भी कायम है, शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई, आरओसी पॉजिटिव था, एलएस रेशो 1.79 से 1.98 हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉप डेस्क को आज भी नुकसान हुआ, लेकिन शायद हो सकता है, ऐसी संभावना है कि ये लोग मार्केट को सिर्फ स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बारे में हम कुछ अभी कह नहीं
सकते हैं। दोस्तों क्लाइंट का डेटा देखा जाए तो एलएस रेशो आज फ्लैट रही, आरओसी थोड़ा सा नेगेटिव था और यहाँ पे दोनों साइड पे पोजीशंस को क्लोज किया गया। तो मार्केट क्योंकि आज पहले हाफ में ऊपर की तरफ थी उसके बाद नीचे आई, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों साइड में किसी ना किसी के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, आज FIIs ने लगभग 11,706 जो है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए और इनका ROC भी नेगेटिव था और LS रेशो जो है 1.17 होगी 1.21 से। तो बेसिकली उनका डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में उनका व्यू मार्केट के प्रति बियरिश था। दोस्तों अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे प्रॉप डेस्क ने आज आप देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं की गई, पुट राइटिंग भी की गई, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में ROC नेगेटिव था। इसका मतलब उनका जो शायद वो अपनी पोजीशंस को इस समय जो है हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि उनका फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सेम व्यू था, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे कॉल राइटिंग को ज़्यादा वेटेज दी। इसका मतलब शायद वो अपनी जो फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन है उनको यहाँ पे हेज कर रहे हैं ऑप्शंस के द्वारा। उनको ऐसा लगता है कि शायद मार्केट नीचे ना चली जाए। और दोस्तों यहाँ पे FIIs जो हैं वो उनका ROC पॉजिटिव है, तो बेसिकली अपनी ये जो शॉर्ट पोजीशंस हैं इनको हेज करने की शायद उन्होंने कोशिश करी। और क्लाइंट्स का जो ऑप्शंस का डेटा होता है, नॉर्मली कल आपने देखा वो लोग काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग कर रहे थे, आज कॉल राइटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो बेसिकली हम उसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देते। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग प्रेशर की बात करें तो आज स्कोर जो है वो फ्लैट रहा, -10। कल का स्कोर भी -10 था, आज भी स्कोर -10 है। तो कल कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि क्या हम इस डेटा पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, तो भाई आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपका एनालिसिस है। मैं यहाँ पे केवल आपको डेटा पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, पर मैं हमेशा से जिस दिन से मैंने मार्केट सेंटीमेंट का वीडियो शेयर करना शुरू किया, मेरा पहले दिन से यही ओपिनियन है कि मैं इस डेटा पॉइंट को इम्पॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि ये हमें एक मार्केट का सेंटीमेंट बताता है। और यहां पे जो एवरेज है आप देख सकते हैं, कल वो थोड़ी इंक्रीज हुई थी, उसका कारण मैंने कल बता दिया था, लेकिन आज ये फिर वापस नीचे आ गई और ये परसों से भी कम है। तो बेसिकली एक अच्छा संकेत इस समय हमें देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों देखिए मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट नीचे या स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती, हमेशा एक जिगजैग फॉर्मेट में ऊपर जाएगी और एक जिगजैग फॉर्मेट में नीचे आएगी। तो हमें यहाँ पे बीच में अगर एक आधे दिन 30-40 पॉइंट ऊपर भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे व्यू चेंज हो गया। ये चीज़ मैंने कल भी आपको क्लैरिफाई की थी कि हमें यहाँ पे मैक्रो लेवल पे ब्रॉड पिक्चर देखनी ज़रूरी है, और ब्रॉड लेवल के ऊपर इस समय मार्केट को FIIs चला रहे हैं और FIIs का व्यू इस समय साफ तौर पे मार्केट में बियरिश है। और आज यहाँ पे जो फ्यूचर्स में 11,706 नई फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई, 5100 करोड़ के आसपास की यहाँ पे जो है सेलिंग की गई, ये कुछ अच्छे संकेत हमें नहीं मिल रहे। दोस्तों जहाँ तक इंट्राडे की बात करने से पहले, यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न इस महीने का हमें एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अंटिल अनलेस मार्केट जो है 17,531 के ऊपर क्लोज ना हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। पिछले महीने जो है एक बियरिश पैटर्न बना था, उसका इंपैक्ट हमने इस महीने देखा। तो मंथली चार्ट जो है एक लंबी अवधि के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। 17,560 हमारा बेबी रेजिस्टेंस था, मार्केट ने सुबह इसको कई बार तोड़ने की कोशिश करी, इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, तो यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की गई और फाइनली ऐसा लगा कि ये टूट गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर अगर आप प्राइस एक्शन पे देखें तो हमें यहाँ पे बियरिश कैंडल्स दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब यहाँ पे प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रहा था। तो ये एक तरीके के फेक ब्रेकआउट्स थे। यहाँ पे फिर मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, दूसरी बार फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी 17,560 पे। और जैसा कि कल हमने देखा था कि अगर तीसरी बार किसी रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो टूट जाता है, वैसे ही आज तीसरी बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई और ये टूट गया और काफ़ी कन्विंसिंगली टूटा। और मार्केट इसके बाद जो अगला लेवल था 17,400 उसके भी नीचे
आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेलिंग प्रेशर जो है ये यहाँ पे बनना शुरू हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल हमें यहाँ 17,600 के आसपास से मार्केट लगभग आप 200 पॉइंट आप कह सकते हैं यहाँ पे नीचे गिरी, और केवल ये सारा कांड जो है एक डेढ़ घंटे के अंदर हो गया। पहले 5 घंटे तो मार्केट इसी 17,560 के ऊपर नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रही थी, तो वहाँ पे बेसिकली हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उसके बाद प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट पॉइंट था तीसरे अटेम्प्ट में इसको ब्रेक कर दिया गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मार्केट सेंटीमेंट वाली सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और हम यहाँ पे मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम अपना खुद का कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई भी बायस नहीं करना चाहता कि आप मेरे कंक्लूजन के साथ जाएं, सभी डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए। लेकिन एक सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं शायद आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे FIIs जो हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे कल का डेटा, अगर आप देखेंगे 27% कंट्रीब्यूशन था, 22 नवंबर को 26% कंट्रीब्यूशन था, और अब यहाँ पे 29% कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली FIIs का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब वो मार्केट को कंट्रोल में अपने लेते जा रहे हैं, मार्केट के ऊपर अपना ग्रिप इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कम हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये सेक्शन किस लिए बनाया हुआ है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे ये सेक्शन किस लिए बनाया हुआ है, तो ये ट्रैक करने के लिए कि इस समय किसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। ऑब्वियसली जिसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है वो मार्केट को अपनी दिशा में लेके जाने की कोशिश करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मार्केट सेंटीमेंट का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।